आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं उपासना, मिस श्वेतांक, समझ ही गए होंगे आप, इतने तो इंटेलिजेंट है ही कि हम किसी फिल्म की बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम है जबरिया जोड़ी। तो कहानी जानते हैं पहले। एक बाहुबली खानदान का लड़का है, पढ़े परिवार से आता है, ठीक है, लेकिन क्या है, गुंडे टाइप का है। लड़के उठाता है शादी करवाने के लिए, ठीक है, और दूसरी ओर एक लड़की है जो आती है तो मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसके तेवर बड़े तीखे हैं। अच्छा। वो क्या होता है कि अभी दोनों बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन जैसा कि फिल्म में डायलॉग एक बोलता है हीरो फिल्म का कि उसको बिस्तर से ज्यादा कुर्सी में इंटरेस्ट है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो अब क्या होता है, लड़का चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन लड़की शादी करना चाहती है, तो अब यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। फिर पकड़ा हुआ विवाह, जबरिया जोड़ी कैसे आता है, वो कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके आते हैं, बैकड्रॉप में इस्तेमाल करते हैं, वैसे फिल्म आगे बढ़ती है। ठीक है, और एक्टर्स का काम कैसा है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनको आपको देखेंगे तो वो थोड़ा चौंकेंगे। ट्रेलर में हालांकि हमने देखा है, उसकी एक झलक हमने देखी है, लेकिन फिल्म में क्या होता है, वो बिल्कुल पुल बैक नहीं करते हैं। इस बार उन्होंने खुद को खुला छोड़ दिया है, और आप आमतौर पर देखिए सकुचाए रहते हैं, थोड़े से वो कंफ्यूज रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, इस बार वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो ये अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। दूसरी ओर प्रीति चोपड़ा है, फिल्म में देखना है कि फिल्म किस फेज से गुजर रही है, क्या चल रहा है फिल्म में, तो आप उनके एक्सप्रेशन को देखिए, वो काफी क्लैरिटी कर देता है कि भाई कैसा चल रहा है अभी। और बाकी ट्रीट ट्वाइज तो है ही, वो दिखने में भी और काम में भी दोनों कमाल की चीजें हैं, कॉम्बिनेशन। और संजय मिश्रा, संजय मिश्रा अब इस बार अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं वो, और एक बेबस बाप, लाचार बाप, जिसकी बेटी उसके हाथ से निकल चुकी है, और फिर भी वो आदमी इतना फनी है। तो पहली चीज तो ये हो गई फिल्म के साथ, वो है कि वो फनी डायलॉग्स उनके हिस्से है, दूसरा वो संजय मिश्रा है, तो ये चीजें मिक्स होकर इंटरेस्टिंग बन जाती है, इंटरेस्टिंग वॉच हो जाती है। जावेद जाफरी भी दिख रहे हैं हमें। उनके साथ ये समस्या है कि भाई उनको मुंबई वाली भाषा ही दे देते फिल्म में बोलने के लिए। अच्छा। क्योंकि बिहार वाली हिंदी जो है उन्होंने काफी खराब कर दिया उसको उन्होंने, और वो वियर्ड लगता है सुनने में। चंदन राव सान्याल, फिल्म कमीने में उन्होंने मिखाइल का रोल किया था, शाहिद कपूर के दोस्त थे, इसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के दोस्त बने हैं गुड्डू, और उनके कैरेक्टर का ऐसा है कि आमतौर पर जो हीरो का दोस्त होता है उस कैरेक्टर को लाइए और उसमें थोड़ी सी अकल डाल दीजिए, तो वो जो चंदन राव सान्याल कैरेक्टर वैसा बनता है, ठीक है, मतलब और वो हीरो की हर बात नहीं मानता, अपना दिमाग। हाँ, सेम है। और दूसरी बात, चंदन क्या करते हैं, इसको बहुत रियलिटी एक क्लोज लेके आते हैं, तो ये अच्छी बात है। सही है, मतलब मजा आता है केमिस्ट्री देखने। हाँ, ठीक है। और हमें शिवा चड्ढा भी दिख रही है और अपार शक्ति खुराना, वो बस दिख ही रहे हैं ना, उनके पास स्क्रीन टाइम है और ना करने को ढंग का काम। ओके, और डायलॉग्स किस तरह के हैं, क्योंकि हमने ये ट्रेलर में बहुत सारे वन लाइनर्स सुने हैं। फिल्म में सिर्फ वन लाइनर्स ही हैं, फिल्म उसी पे खेल रही है, और इतने ज्यादा मात्रा में है कि मतलब उस पर आप कुछ पे ही हंस पाते हैं, बाकी निकलते चली जाती हैं। अच्छा। निकल जाते हैं। हाँ, जाते हैं। बस वेस्ट हो गया वो। ओके, और बिहार जो है वो इस्टैब्लिश कर पाई है फिल्म। बिहार समस्या ये है डायलॉग्स के साथ कि वो डायलॉग से बहुत बिहार इस्टैब्लिश करते हैं कि भाई बिहार में है, बिहार की कहानी है ये वो, लेकिन वो इस्टैब्लिश फिर भी नहीं हो पाता है। अच्छा, कैमरा भी नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैमरा वो नहीं कर पाता है, वो इसलिए शायद फिल्म को बोलने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, और गाने कैसे हैं, कि एक खड़के गिलासी तो है ही। हाँ, बाकी एक गाना जो है, बाकी चार वर्ष से चल रहे हैं गाने, लेकिन फिल्म का एक गाना बड़ा प्यारा है, मीठा है, की होंदा प्यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिहारी में बिहार बैकड्रॉप पे फिल्म बेस्ड है और गाना पंजाबी है, और दोनों पंजाबी है, खड़के गिलासी भी पंजाबी। हाँ, लेकिन वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। ओके, तो मतलब आपने उसको देख लिया है, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लेकिन वो फिल्म में नहीं दिखता। हाँ, ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है फिल्म का? ओवरऑल एक्सपीरियंस फिल्म का ये है कि जैसे फिल्म स्टार्ट होती है वो एक गंभीर सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन बीच में वो खो जाती है कहीं, वो एक रेगुलर लव स्टोरी बन जाती है, तो ये दिक्कत है फिल्म के साथ। मतलब जितना गंभीर टॉपिक है उतनी गंभीर ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, वन टाइम वॉच कह सकते हैं, मस्ट वॉच वो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वहां तक उस बार तक फिल्म जा नहीं पाई है। ठीक है, तो इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आप वन टाइम वॉच करना चाहते हैं या मस्ट वॉच करना चाहते हैं। बाकी इस तरीके की फिल्म आपको अगर पसंद आती है तो जरूर जाकर देखिए, और हमारी जो वीडियोस हैं इस तरीके की देखते रहा करिए, फॉलो करते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।